बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें रोज 35 शहरों में मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की अपनी लिखी हुई कहानियां और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है फूलों का गुलदस्ता। याद शहर में दादाजी का बड़ा सा बगीचा हुआ करता था। गुलाब की क्यारियां, अमरूद के पेड़, गुलमोहर, चमेली के फूल। मेरे दादाजी विशंबरनाथ माथुर 50 साल से रोज शाम खुद अपने हाथों से उन क्यारियों में पानी देते थे, जैसे अपने 5 बेटे बेटियों के अलावा ये दर्जनों बच्चे भी उन्हीं के अपने हों। अपने ही तो थे। एक फूल भी अगर मुरझा जाता था तो शाम को मन से खाना नहीं खा पाते थे। मैं तब एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे फूलों के बारे में बताते थे। न जाने ये सब मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि आज मेरा 31वां जन्मदिन है और जन्मदिन पे मुझे दादाजी बहुत याद आते हैं। पिछले साल मेरे जन्मदिन के 3 महीने बाद वो हमें छोड़ के चले गए थे। ऑपरेशन की पिछली रात को मैं उनके साथ वार्ड में थी। गार्डनिंग की कुछ किताबें लाई थी उनका मन बहलाने के लिए। बोले, दिशा बेटा, जितना मुझे जिंदगी में इंसान नहीं सिखा पाए उससे बहुत ज़्यादा मैंने फूलों से सीखा है। मुश्किलों की मिट्टी से उभरना, कांटों को खुशी खुशी दामन में थाम लेना और धूप हो या छांव, दुनिया के लिए यूं खिलना कि कभी कोई मुरझाना ना चाहे। फूलों से प्यार करना मुझे दादाजी ने ही सिखाया, खुद से प्यार करना भी उन्होंने ही सिखाया था। हर जन्मदिन पे मुझे एक नए फूल का पौधा देते थे। मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं उसे बड़ा करूं, कभी मुरझाने ना दूं। अभी इस बड़े से शहर के अपने छोटे से 2 बेडरूम के शेयर्ड अपार्टमेंट में अपनी याद शहर के दिनों की क्लासमेट अंजलि के साथ रहती हूँ। एक बैंक में नौकरी करती हूँ। याद शहर की अक्सर याद करती हूँ। घर में दादाजी की याद में 5 छोटे छोटे गुलदस्ते लगाए हैं, जिन्हें पानी ना देने पे अंजलि पे गुस्सा होती रहती हूँ। पर आज मैंने सोचा कि उसे डिनर पे ले जाऊंगी। घर पहुंची तो देखा अंजलि कब से तैयार बैठी है मेरी देरी पे फर्जी गुस्सा दिखाते हुए, और कमरे के बीचों बीच एक बिन बुलाए मेहमान की तरह एक बड़ा सा खूब बड़ा फूलों का गुलदस्ता रखा था, व्हाइट लिलीज। मैंने कहा, किसने भेजा है? बोली, पता नहीं, कोई नाम नहीं था। ये तो बड़ी मिस्ट्री हो गई थी, किसने भेजा होगा ये गुलदस्ता। अंजलि का नकली गुस्सा कुछ ही देर में काफूर हो गया। हो भी क्यों ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऑर्डर करने लगी रोज की तरह, ये पहनूं, वो पहनूं, ब्लैक ड्रेस और वो पर्ल्स वाला नेकलेस जो प्रशांत ने दिया था। प्रशांत के बारे में बताया नहीं मैंने आपको, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। एनीवे छोड़िए, अंजलि का ऑर्डर टालना मुश्किल है, वो मेरी माँ, बहन, बॉयफ्रेंड सब रोल्ड इनटू वन है। बड़े शहर में मेरा याद शहर का कनेक्शन है। वो अक्सर जब खाली बैठते हैं तो हम पुराने वक्तों की बातें करते हैं, हंस लेते हैं, थोड़ा रो भी लेते हैं। अंजलि बोली, ये फूल किसने भेजे हैं भाई, ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी, कौन है तेरा ये सीक्रेट एडमायरर? हम दोनों तैयार हो गए। अंजलि बोली, एम्बुलेंस सर्विस का नंबर है? मैंने कहा, क्या हो गया? बोली, तुझे देख के लग रहा है कि लाशें बेचने वाली हैं आज, तैयारी रखनी चाहिए ना। हम अक्सर इतने खूबसूरत होते नहीं है जितना हमें हमारे चाहने वाले महसूस करा देते हैं, और शुक्र है कि वो ऐसा करते हैं, वरना खुद को नापसंद करने के 100 कारण तो हम ढूंढ ही लेते हैं। यूं ही बड़े शहर में 30 से ऊपर का होना और सिंगल होना आपके स्वाभिमान, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लगातार चलती एक छोटी सी हथौड़ी की तरह छील के रख देता है। खासकर तब जब दुनिया कहे कि आप तो सुंदर हैं, काबिल हैं, मजेदार है आपका साथ, लेकिन फिर भी प्यार न मिले, जिसके लिए खुद ही खाना बनाने का मन करे
जिसके लिए सजने का जी करे। हम सब चाहे जितनी आज़ाद ख्याल फेमिनिस्ट बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वही मासूम सीधी सादी लड़कियां हैं जो बचपन में माँ को किन्हीं भैया की शादी में सजी धजी बनारसी साड़ी में ढेरों चूड़ियां पहने देख के सोचती हैं कि हम कब एक खूबसूरत दुल्हन बनेंगे। तब से अब तक मेरे जैसी करोड़ों लड़कियां सच्चे प्यार की तलाश में 30 बरस गुजार देती हैं और फिर सोचती हैं कि अरे हम तो अकेले रह गए। अकेलेपन के इश्तेहार दो सिंगल लड़कियों के इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा ये बिन बुलाया मेहमान, ये फूलों का गुलदस्ता, तन्हाई भुलाने का इंजेक्शन सा लग रहा था। क्या अंजलि सही कह रही थी? सचमुच क्या किसी सीक्रेट एडमायर ने भेजा था? ये कौन होगा, किसने भेजा होगा ये खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता? घर से बाहर निकले तो मैंने फिर से उसकी ओर पलट के देखा, जैसे एक प्रोस्पेक्टिव पति मिल गया हो और उसे मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती हूं। रिश्तों के मामले में काफी अजीब सा रिकॉर्ड रहा है मेरा। याद शहर में कॉलेज के दिनों में कभी ये सब सोचा ही नहीं। हालांकि अंजलि के हाथों अक्सर रूलदार कागज पे शर्मा शर्मा के लिखे हुए लव लेटर्स चले ही आते थे। कई में सेम चीजें लिखी रहती थी। बाद में पता चला कि एक लड़का था जो इंग्लिश में बड़ा तेज था, उसको धमका के सब लोग लड़कियों को लव लेटर लिखवा लिया करते थे। जब आगे पढ़ाई करने के लिए याद शहर छोड़ा तो पहली बार लड़कों से दोस्ती हुई। पापा ने हमेशा भरोसा किया मुझ पे, कुछ गलत लोगों से भी दिल लगाया, लेकिन शुक्र था कि बात आगे नहीं बढ़ी। बात सिर्फ एक शख्स से आगे बढ़ी थी, प्रशांत से। 4 साल चला हमारा रिश्ता। शादी करना चाहती थी मैं उससे। ज्यादातर लड़कियां वक्त लगाती हैं ये कहने में, ये मान लेती हैं कि जब प्यार हुआ है तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अगला कदम शादी ही होगा। इंतजार करती रही कि प्रशांत ही एक दिन प्रपोज करेगा। एक दिन वो बात करने घर आया। मैं सच के तैयार हो गई थी। अंजलि और बाकी फ्रेंड्स ने इतना बढ़ा चढ़ा के एक्सपेक्टेशंस कर दी थी कि जैसे शादी की तारीख ही नहीं, हनीमून की जगह भी पक्की करने आ रहा हो। लेकिन प्रशांत यह कहने आया था कि उसे इस रिश्ते में स्पेस नहीं मिल रही थी। वो कमिटमेंट करने से डर रहा था। वो मेरे लायक नहीं था। मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं सुनती रही, उसके जाने तक आंसू रोके रही और फिर उन्हें रुकने नहीं दिया। तो तुझे क्या लग रहा है, किसने भेजा होंगे ये फूल? प्रशांत ने, अंजलि ने कहा। मैं कुछ नहीं बोली। कभी कभी मुझे मेरे मन की छुपी हुई बात खुद बोल के इरिटेट कर देती है। मेरी कमजोरियां, इनसिक्योरिटीज, डर, मुझसे बेहतर जानती है वो। शायद मैं उससे जलने भी लगी थी कुछ आजकल। उसे प्यार जो हो रहा था, एक लड़का था उसके ऑफिस में, रोहन, बड़ा लट्टू हो चला था उस पर। पहले से ही निकम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड अब तो और भी काम नहीं करती थी। अंजलि बोले जा रही थी और मैं सोच रही थी, क्या सचमुच ये फूलों का गुलदस्ता प्रशांत ने भेजा होगा? प्रशांत क्यों भेजेगा मुझे फूल यार, मैंने अंजलि से कहा। हम रेस्टोरेंट में थे, टेबल मिलने का वेट कर रहे थे। अंजलि का दिमाग उन फूलों के गुलदस्ते को लेकर मुझसे भी तेज चल रहा था। फूलों के साथ एक छोटा सा कार्ड आया था जो मेरे पर्स में ही था। काले पेन से लिखा था, हैप्पी बर्थडे दिशा, लॉट्स ऑफ लव। उसे मैं कम से कम 30 बार पढ़ चुकी थी। हैंडराइटिंग पहचानी नहीं लग रही थी। ये आर, ये बर्थडे में डी क्या प्रशांत जैसा नहीं लग रहा है? जब वो मेरी हथेली पे डी आई एस एच ए लिखता था अपने महंगे फाउंटेन पेन से। मैं अंजलि से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उम्मीद का एक पौधा मेरे मन में जन्म ले चुका था। हमें टेबल मिल गई। अंजलि ऑर्डर करने लगी। जब वेटर चला गया, अच्छा चल छोड़ गुलदस्ते को, ये बता तेरा आज तक का बेस्ट बर्थडे कौन सा था, अंजलि बोली। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, जब मैं 15 साल की थी और दादाजी ने मुझे अपने मन का कोई पेड़ उनके बाग में लगाने के लिए कहा था। मैंने बरगद का एक पौधा लगाया था। वो बोले, दूर की सोचती है बेटा, जब ये 150 साल का हो जाएगा तब भी आके इसका ख्याल रखना। मैंने कहा, और तुम कहाँ होगे दादाजी?
बोले, मैं वही पुराना काम कर रहा हूँ, भगवान जी के बाग में बागवानी की नौकरी हथियाली होगी। बोले, दिशा जब भी तुम उदास हो, अकेली हो, तुम मुझे याद करना, इस बगीचे को याद करना, ये तुम्हारी यादों सपनों का बगीचा है। जब खुद से बहुत दूर चली जाओ तो आंखें बंद करके यहीं वापस आ जाना, इस बगीचे में जहां तुमने सपने देखना सीखा। आज मैं अकेली थी, उदास थी, फिर से दादाजी को याद कर रही थी। सब कुछ तो था जिंदगी में, लेकिन फिर भी सब खाली खाली लग रहा था। तुझे क्या लगता है, वो ऊपर की फ्लोर वाला लंबू उसने भेजा होगा? बहुत देखता है तुझे, या वो जिम वाला पागल टाइप का जो है? लेकिन उसे तमीज नहीं होगी यार व्हाइट लिलीज की। सोचने दे। बिंगो, मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो तुझे पार्टी में मिला था, फौरन क्रश हो गया था तुझ पे। मैंने उसे बताया भी था आज तेरा बर्थडे। अच्छा है वो, बुरा नहीं है। मैंने कहा, एक सेकंड आई। मैं वॉशरूम्स की ओर चलने लगी और एक फोन नंबर डायल किया, अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत का नंबर। प्रशांत के फोन पे घंटी बज रही थी, उसका कॉलर ट्यून अभी भी वही पुराना गाना था, आज फिसल जाएं तो हमें ना उठइयो। मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। कितना लड़ती थी मैं उससे इस गाने को लेके कि अब तुम मेरे साथ हो, इस दिलफेंक गाने को हटाओ भाई। पर प्रशांत तो प्रशांत था, वो तो पार्टीज में भी वही गाना गाता था, ठीक ठीक गा लेता था। लड़कियां जो हमारी कॉमन फ्रेंड्स थी वो उसके साथ गाती थी, कहती थी, प्रशांत अब वो वाला, नहीं प्रशांत अब वो वाला। मैं जलभुन के फ्राई हो जाया करती थी। एक सहेली थी उसकी, ईशा, कुछ ज्यादा ही उछलती थी। मैं कुछ लेने के लिए उठूं, वापस आके देखूं कि वो प्रशांत के बगल में बैठी है। ईशा को लेके प्रशांत और मुझ में बड़ा झगड़ा होता था। वो कहता था कि मैं इतनी इनसिक्योर हूं कि उसकी फीमेल फ्रेंड्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूं। फोन की घंटी बजते जा रही थी, कोई जवाब नहीं था। मैं एम्बैरस्ड फील करने लगी, बेकार में उसे फोन किया। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि क्या ये फूलों का गुलदस्ता उसी ने भेजा था, लेकिन अगर उसने कोई रिश्ता नहीं रखा तो मैं क्यों उसके पीछे भाग रही थी? शायद मैं उससे प्यार करना कभी छोड़ नहीं पाई थी। फोन की स्क्रीन पे सवाल आया, रीडायल। न जाने किस पागलपन में मैंने कह दिया यस। फिर फोन डायल होने लगा, फिर वही कॉलर ट्यून। उस कॉलर ट्यून को सुन के एक सेकंड में फिर मैं जैसे उन लम्हों में पहुंच गई थी जो हमने साथ बिताए थे, जैसे वो बस अभी फोन उठाएगा और मैं बोलूंगी, खाना खा लिया बेबी? फोन अभी भी अनआंसर्ड था। मैं पलटी, सामने अंजलि खड़ी थी। बोली, मैं तब से वेट कर रही हूं यार, क्या कर रही है तू? मैंने कहा, वो वॉशरूम आई थी। वो बोली, तू मर्द बन गई है क्या? आदमी वाले बाथरूम के सामने खड़ी है। फिर हंस के बोली, शायद इसीलिए शादी नहीं हो रही है तेरी। मैं अंजलि के इस मजाक पे तिलमिला गई। मैंने कहा, जस्ट शट अप मैन, इट्स नॉट फनी, ओके? अंजलि ने कहा, दिशा मुझे पता है कि तूने प्रशांत को फोन किया होगा, उसके पीछे मत भाग, ही इज गॉन। मैंने कहा, तू तरस मत खा मेरे पे, तुझे तो बॉयफ्रेंड मिल गया ना, आई एम वेरी हैप्पी जैसी भी हूं मैं। और मैं गुस्से में अपनी बेस्ट फ्रेंड को वहीं छोड़ के तेजी से रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। अंधेरे में मेरे आंसू न मुझे दिखे न टैक्सी वाले को। मैं रोती रोती टैक्सी में बैठ के चली जा रही थी, एक सवाल के पीछे भागती हुई, जैसे उस पे मेरी जिंदगी टिकी हो। ये फूलों का गुलदस्ता किसने भेजा था? रात के सीने में ये दिशा कहीं दिशाहीन चली जा रही थी। मेरे हाथ में पसीने में भीगा वो विजिटिंग कार्ड था जो व्हाइट लिलीज के गुलदस्ते के साथ आया था। पीछे फ्लोरिस्ट का एड्रेस था। मैं वहीं उस फ्लोरिस्ट के पास जा रही थी उससे पूछने कि आखिर किसने ये फूल भेजे थे। मेरे फोन की घंटी बजी, प्रशांत का था। हे, क्या हाल? उसने कहा। सॉरी यार, मीटिंग में था। मैंने कहा, नहीं इट्स ओके, कैसे हो तुम? वो बोला, बिल्कुल ठीक। अचानक उसके पास मुझसे कहने को कुछ था ही नहीं। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मेरा जन्मदिन तक नहीं याद था, वो मुझे फूल कैसे भेज सकता था? अचानक उसके पीछे से आवाज आई, आर यू कमिंग बेबी? ईशा की थी। मैंने फोन रख दिया, कीपैड से आंसुओं को पोंछा, अंजलि को मैसेज किया,
I'm sorry. हमेशा की तरह इस बार भी मुझे माफ कर देना। फ्लोरिस्ट की दुकान के सामने गाड़ी रुकी, मैं अंदर गई और पूछा, जी ये फूल किसने ऑर्डर किए थे मेरे लिए, बता सकते हैं? फ्लोरिस्ट बोला, मैडम ये तो नहीं बता पाएंगे। फिर उसका असिस्टेंट बोला, दद्दा ये तो वही वाला ऑर्डर है। फ्लोरिस्ट बोला, अरे हाँ अच्छा वो आप आ गई, हमारी गलती है, इसके साथ एक मैसेज हम भेजना भूल गए थे। असल में ये ऐसा ऑर्डर हमारे पास पहले आया ही नहीं कभी, ये ऑर्डर पिछले साल करीब 10 महीने पहले आया था, चेक आया था और फोन पे मैसेज डिक्टेट हुआ था, इतना टाइम बीत गया ना इसलिए यहाँ दराज में मिसप्लेस हो गया। ये लीजिए, ये था मैसेज, कागज पे लिखा था, दिशा हैप्पी बर्थडे, प्रशांत तुमसे प्यार नहीं करता, अंजलि ने बताया था हमें फोन पे, और इसमें प्रशांत का या तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किसी को खुद से प्यार करवाना हमारे बस में होता ही नहीं है, खुद से प्यार करना हमारे बस में होता है, औरों के पीछे भागना छोड़ के खुद को ढूंढना, और इतना मजबूर कभी मत बनना कि खुशियां किसी और की मर्जी और फैसलों की मोहताज बन जाएं। आई लव यू बेटा, तेरा दादा विशंबरनाथ माथुर। बस इतनी सी थी आज की कहानी।